जिस तरीके से नंद कुमार सिंह चौहान की ताजपोशी का दिन है, दोबारा उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बीजेपी कार्यालय की है, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, नंद कुमार सिंह चौहान मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय से, जहाँ पर एक बड़ा मंच बनाया गया है और नंद कुमार सिंह चौहान की ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश गान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये तस्वीर, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय से, जहां पर थोड़ी देर के बाद नंद कुमार सिंह चौहान पदभार ग्रहण करेंगे। कल सर्वसम्मति से उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था दूसरी बार, और आज औपचारिक तौर से वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इस मौके पर एक बड़े जश्न की तैयारी की गई है। सुबह से ही नेताओं के कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच नंद कुमार सिंह चौहान का जो पहला कार्यकाल था उसको बेहतरीन बताया गया है, उसको शानदार बताया गया है। और उन्हीं उपलब्धियों के मद्देनजर दोबारा उनको कार्यभार सौंपा जा रहा है। और तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस वक्त मंच पर पहुंच रही हैं। उनकी अगवानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान अगवानी करने पहुंचे मंच से नीचे, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस वक्त मंच पर पहुंच चुकी हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं और सुषमा स्वराज सभी से मुलाकात कर रही हैं। तो नंद कुमार सिंह चौहान जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल आज से शुरू कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से जश्न देखने को मिला, आतिशबाजी हुई, बैंड बाजे का वहां पर जश्न दिखा और नंद कुमार सिंह चौहान ने पैर छूकर सुषमा स्वराज का आशीर्वाद लिया। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भोपाल से, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। नंद कुमार सिंह चौहान की ताजपोशी का दिन है और थोड़ी देर के बाद दोबारा वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान मिले हैं। आज औपचारिक तौर से पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं और उसके खुशी में एक जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको सुबह से ही लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीर बन रही है, अलग अलग तरीकों से इस खुशी को बांटा जा रहा है। और इस पूरे आयोजन को कई नेताओं ने, कई कैबिनेट मंत्रियों ने जिस तरीके से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इसे चुनाव उत्सव का नाम दिया है। उनका कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी ने उपलब्धियां हासिल की है मध्य प्रदेश में, वो शानदार रही है, इसलिए इस शानदार आयोजन को किया गया है। और इन सब के बीच नेताओं में भी खुशी है, कार्यकर्ताओं में भी खुशी है और प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। और मंच पर भी देखिए, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और उस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नंद कुमार सिंह चौहान मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरी बार कार्यभार जो है वो लेने जा रहे हैं। अब मैं
तो कल सर्वसम्मति से नंद कुमार सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद नंद कुमार सिंह चौहान का कहना था कि संगठन और सत्ता के बीच सामंजस्य उनके बैठाने की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और यहाँ पर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक या कोई भी हो सभी की भावनाओं का सम्मान होगा। और इन सब के बीच तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में एक बड़े जश्न का आयोजन किया गया, एक विशाल मंच यहां पर बनाया गया है और थोड़ी देर के बाद नंद कुमार सिंह चौहान औपचारिक तौर से कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। आलोक शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रभारी और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष भी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बड़े आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त बीजेपी कार्यालय में और अब किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? देख रहे हैं और कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है, मंच पर तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद औपचारिक घोषणा की जाएगी रामदास अग्रवाल जी की तरफ से, जो कि चुनाव पर्यवेक्षक हैं नंद कुमार सिंह के, कि ये सूचना रहेगी तमाम कार्यकर्ताओं को। उसके बाद औपचारिक तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जो तमाम आला नेता मौजूद है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें आगामी रणनीति के बारे में अवगत कराएंगे और कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में एकजुट होने की अपील भी की जाएगी। जिस तरह से लगातार हम तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे थे, सभी का ये कहना है कि पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और ये एक बेहतर कदम है नंद कुमार सिंह चौहान को दोबारा सौंपने का। पहले चर्चा जरूर हुई थी कि इस दौरान नामांकन में कुछ और नाम भी सामने आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नंद कुमार सिंह चौहान का लौटा नाम था कि कल शाम 5 बजे तक ये साफ हो गई थी कि अब नंद कुमार सिंह चौहान ही अपने अध्यक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभाले थी। और अब जो मंच पर तमाम जो नेता है वो चुके हैं, अब औपचारिकता शेष बची है जिसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और वो औपचारिक तौर पर एक बार फिर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर काबिज हो जाएंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है और तस्वीरें भी आशुतोष लगातार देखने को मिल रही हैं कि अब उस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, कार्यक्रम से पहले जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में जश्न चल रहा था वो तस्वीरें आपने दिखाई, सुबह से ही बड़ा जश्न चल रहा है, औपचारिक ऐलान के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद भी क्या जश्न का कार्यक्रम, उसके बाद क्या कुछ होना है? अब ये बात जरूर है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण ये भी है यहाँ पर कि पठानकोट में हमला करते हैं नंद कुमार चौहान जी को प्रदेश अध्यक्ष कमान सौंपी गई है, उनके सरल और सौम्य व्यवहार की सभी लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सरलता और सौम्यता और सहजता इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रही है। काफी उत्सवी यहाँ पर माहौल है, बैंड जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, काफी सजाया गया बीजेपी ऑफिस को। निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सरलता दिखनी चाहिए इस कार्यक्रम में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पर इस कार्यक्रम को एक बड़ी शक्ल देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक बार फिर एकजुट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और पिछले चुनावों के जो परिणाम आए थे वो उसमें एक बात सामने हुई थी कि कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखा, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा। तो यही वजह की कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए उत्सव के जरिए जो चुनाव उत्सव नाम दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जेल नहीं कर रहा है मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो अभी फिर पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, जो जिस सरलता की यहाँ पर उनके प्रति दलील दी जा रही है उस सरलता यहाँ पर कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रही है। ये बात भी है कि हो सकता है कि ये बड़ा मुद्दा भी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस जो कि लगातार हमलावर हो रही है वो इस उत्सवी माहौल को देखकर बीजेपी पर निशाना साध सकती है कि एक और जहाँ पठानकोट में एक के बाद एक जो लगातार हमले की घटनाएं सामने आई है, 3 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह से उत्सव मनाना क्या उचित है? ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। अब जाहिर सी बात है, तो लेकिन जिस तरीके से फिर ये माना जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 सालों का जश्न जो था वो मनाने से इनकार किया था, इन सब के बीच जो ये आयोजन हो रहा है ये नंद कुमार सिंह चौहान के लिए पहली चुनौती बनकर सामने आ सकती है विपक्ष के हमलों के तौर पर। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा अखिलेश, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 10 वर्ष जब पूरे किए थे तो किसानों की हालत के मद्देनजर जिस तरह से लगातार वो ओलावृष्टि और सूखे की मार झेल रहे थे उसके मद्देनजर पूरी तरह से खारिज कर दिया था, खत्म कर दिया था। छिंदवाड़ा में उन्होंने घोषणा की थी और कहा था कि अब वो जश्न नहीं मनाएंगे 10 साल का, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली जो चुनौती और पहला जो वार हो सकता है विपक्षियों की तरफ से नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ शायद इसी उत्सव की वजह से हो, ये उत्सव ये एक बड़ी वजह बन सकता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा सकते हैं कि क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कोई सहज एक सरल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित नहीं किया जा सकता था ये। और आपको बता दें अब देश कुछ समय तक तो बाहर जो बैंड बज रहे थे उसमें देशभक्ति की धुन बज रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर फिल्मी धुनें भी बजने लगी और तमाम फिल्मी गानों की धुनें भी यहाँ पर बजाई जा रही थी, ये काफी अटपटा भी लग रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा नजर यहाँ पर विपक्षी कांग्रेसियों की होगी जो कि लगातार ये बात नोट कर रहे होंगे कि किस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में इस तरह का जो है दिखावा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, तो एक तरफ सत्ता का उत्सव है, एक तरफ दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की खुशी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का जो वार है वो भी यहाँ पर तैयार नजर आ सकता है। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए, फिर से रुख करेंगे आपका और इस कार्यक्रम से जुड़े हर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।